Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. In this lecture, we are going to see the Hindu editorial analysis. जिसमें हम लोग ने एक आर्टिकल लिया है, वो आर्टिकल हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे उसका मतलब क्या है, एडिटर क्या कहना चाहते हैं, और साथ ही साथ उसके वोकैबुलरी वर्ड्स भी देखेंगे. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंग्लिश के पेपर में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लॉज टेस्ट और वैसे ही एरर डिटेक्शन के सारे क्वेश्चंस मोस्टली न्यूज़पेपर में से ही आते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट तो पक्का इसी में से आता है. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करें ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने की, उसको समझने की और उसके वोकैबुलरी वर्ड्स की मीनिंग ढूंढने की. तो लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल रिलीजन एंड फ्रीडम. रिलीजन और फ्रीडम, ये जो आर्टिकल है ये अभी जो यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इंडिया को कंट्री विद पर्टिकुलर कंसर्न का जो टैग दिया है या फिर उसको अलग किया है, उस वजह से ये आर्टिकल लिखा गया है. जो इंडिया की करंट सिचुएशन, पिछले साल की सिचुएशन है, जिसके बेसिस पे यूएस ने ये डिसीजन लिया है और साथ ही साथ यूएस के वो ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये डिसीजन लिया उसके बारे में आर्टिकल में डिस्कस किया गया. तो हम लोग साथ ही साथ पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम्स एंड कम डाउन हैविली ऑन रिलीजियस वॉयलेंस. इंडिया को अपने फ्रीडम, जो फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ में जो रिलीजियस वॉयलेंस कंट्री में होते हैं उसको भी कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा एडिटर का मानना है. रिलीजियस फ्रीडम इज ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस. रिलीजियस फ्रीडम जो रहता है कि हर धर्म में फ्रीडम होना चाहिए, हर धर्म को पूछने का फ्रीडम होना चाहिए, ये एक सुप्रीम मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस है, मतलब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है. नॉट बिकॉज कि ये रिलीजन की बात है, बट बिकॉज इट इज़ अबाउट फ्रीडम. रिलीजन के वजह से नहीं पर फ्रीडम इज अ राइट टू एवरी वन. इसीलिए फ्रीडम के लिए रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, ना कि रिलीजन के लिए फ्रीडम होना चाहिए. The characterization by the US Commission on International Religious Freedom, USCIRF, of India as a country of particular concern in its annual report is not entirely surprising. जो US Commission on International Religious Freedom है, उन्होंने इंडिया को एक कंट्री विद पर्टिकुलर कंसर्न जो टैग दिया है अपने एनुअल रिपोर्ट में, वो कम्प्लीटली सरप्राइजिंग नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, ठीक है, क्योंकि considering its dim and known views about sectarian violence and aggravating governmental measures over the last year. क्योंकि it is not entirely surprising because जो dim मतलब उतने clear जो views नहीं है, sectarian violence मतलब एक particular sector को लेके कोई अगर violence होता है, और जो aggravating मतलब making a problem worse, aggravating मतलब और वर्स करने के लिए जो गवर्नमेंट मेजर्स पिछले साल लिए गए, इस वजह से ये कोई शॉकिंग बात नहीं है. द इंडियन गवर्नमेंट नॉट ओनली रेप्यूडिएटेड द रिपोर्ट बट ऑल्सो रिडिक्यूल्ड द USCIRF. मतलब जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये रिपोर्ट रेप्यूडिएट करना मतलब रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, ना कि रिफ्यूज की, बट इट ऑल्सो रेडिक्यूल्ड इट. रेडिक्यूल्ड मतलब उसको डिसमिस किया, मतलब उसको मानने से इनकार कर दिया. द ऑटोनोमस बाईपार्टिसन कमीशन्स इन्फ्लुएंस ओवर एनी यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन इज लिमिटेड एंड ओकेजनल बट इट्स प्रिजम्पशन ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी अपीयर्स अम्यूजिंगली एक्सपेंसिव. जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, फिर जो ये ऑटोनोमस बाईपार्टिसन मतलब कोई भेदभाव करने वाला कमीशन जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो ना कि ओवर एनी यूएस एग्जीक्यूटिव एक्शन इज लिमिटेड और ओकेजनल है, बट उसका जो प्रिजम्पशन है, प्रिजम्पशन मतलब एन आइडिया टेकन टू बी ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एक कोई आइडिया जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ट्रू माना जाता है, प्रिज्यूम करना, ठीक है, अज्यूम करना, ऑफ ग्लोबल अथॉरिटी अपीयर्स अम्यूजिंगली एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव इस केस में मतलब कम्युनिकेटिव है, फ्रैंक है, ठीक है. Whether or not the US government act on its recommendation to impose targeted sanctions on Indian government agencies and officials depends on American strategic interest. मतलब government, जो US government है उनके जो recommendations है
टारगेटेड सैंक्शन, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी और ऑफिशियल्स पे जो टारगेटेड सैंक्शंस के जो रिकमेंडेशंस है वो डिपेंड करते हैं अमेरिका की स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट में, मतलब अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है उस पे. द यूएस हैज यूज्ड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ फ्रीडम, डेमोक्रेसी, टॉलरेंस एंड ट्रांसपेरेंसी एज टूल इन इट्स स्ट्रैटेजिक परसुइट्स, बट देर इज नो प्रूफ ऑफ एनी यूनिफॉर्म और प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ सच मॉरल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, यूएस ने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स बहुत यूज किए हैं मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स फ्रीडम के बारे में, उसके बाद डेमोक्रेसी के बारे में, टॉलरेंस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, ये सारे स्ट्रैटेजिक परस्यूट्स में उन्होंने ये सारे टूल्स अपनाए हैं, मतलब ये सारी चीज़ों उन्होंने मेंशन की है, इस पे भार दिया है, इस पे महत्व दिया है कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. पर ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने ये जो चीज़ें, ये इनकी जो मान्यताएं हैं वो उन्होंने कंसिस्टेंट रखी है, ठीक है, यूनिफॉर्म रखी है. वो अपने सिचुएशन के हिसाब से ये सारे अपने जो प्रिंसिपल्स है वो चेंज करते जाते हैं, ऐसा एडिटर का मानना है. द प्रोसेस कैन बी सिलेक्टिव एंड ऑफन आर्बिट्ररी इन स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज. ये जो प्रोसेस है वो पर्सनल विम पे, मतलब कोई अपने पर्सनल भेदभाव के लिए, पर्सनल रीजन के लिए ये चीज़ें जो है, जो प्रोसेस है वो कंट्रीज को स्पॉटलाइट करने के लिए, मतलब कंट्रीज को सामने लाने के लिए दुनिया के, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं, मतलब खुद के पर्सनल विम्स पे, खुद के पर्सनल ओपिनियंस पे भेदभाव करना ये प्रोसेस में नॉर्मल है. मिररिंग दिस पैटर्न, इंडिया सिलेक्टिवली अप्रोचेस ग्लोबल ओपिनियन ऑन इट्सेल्फ, एम्ब्रेसिंग एंड सेलिब्रेटिंग लॉडेटरी वंस एंड रिजेक्टिंग इनकन्वीनियंट वंस. ये पैटर्न देखते हुए इंडिया सिलेक्टिवली अप्रोच करता है ग्लोबल ओपिनियंस पे, खुद को, खुद पे जो ओपिनियंस जो दुनिया देती है उस पे जो उनके बारे में जहाँ पे अच्छा बोला रहता है उसको सेलिब्रेट करती है, और जो उनके लिए सही नहीं है, इनकन्वीनियंट है, उसको रिजेक्ट कर देती है. द फ्रैंक्टिक मतलब होता है जो वेरी फ्रैंक एंड रिलेटिवली सक्सेसफुल एफर्ट्स टू रेज इट्स ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग बाय द वर्ल्ड बैंक इन केस इन अ पॉइंट. Many of these reports have a circulatory life. The USCIRF report quotes UN special rapporteurs to buttress its point on the discriminatory outcome of the National Register of Citizens in Assam. ठीक है, उन्होंने quote किया, उन्होंने special mention किया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. तो उनके UN special rapporteurs, मतलब जो person appoint किए जाते कोई भी organization के से रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, जो रिपोर्ट करने के लिए जो स्पेशल पर्सन्स मेंशन अपॉइंट किए जाते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया, अपना जस्टिफिकेशन दिया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब भेदभावपूर्ण जो आउटकम निकला था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स इन आसाम, ये जो NRC के बारे में जो वॉयलेंस हुआ था, उसके बाद में जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच गवर्नमेंट ने दिखाया था उस बारे में उस वजह से इन्होंने जस्टिफाई किया कि उस वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है. ओवरऑल सच रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमेज ऑफ अ कंट्री. टोटली ऐसा देखा जाए तो ये सारी जो रिपोर्ट्स होती है, इंडाइसेस होती है जो हम लोग देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलिए या फिर ये जो रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती है कोई भी कंट्री की इमेज बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, एंड इंडियन गवर्नमेंट इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस पैटर्न. तो इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज पता है, कॉग्निजेंट मतलब होता है पता है, कॉग्निजेंट मतलब पता है. द गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस पैटर्न. इन मार्च द इंडियन गवर्नमेंट ट्रोल नीति आयोग टू ट्रैक 32 ग्लोबल इंडाइसेस एंड एंगेज विद द बॉडीज दैट मेजर देम टू एडवांस रिफॉर्म एंड ग्रोथ. इसीलिए मार्च में, अभी मार्च 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने नीति आयोग जो थिंक टैंक है उसको बताया था कि जो 32 ग्लोबल इंडाइसेस है, ठीक है, जिसमें इंडिया की रैंकिंग्स है, वो ग्लोबल इंडाइसेस को ठीक तरीके से ट्रैक करे. जो वो इंडाइसेस पब्लिश करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, IMF, इनके जो सारे रिपोर्ट्स है, ये जो इंडाइसेस रिपोर्ट करते हैं उसे ट्रैक करे, और साथ ही साथ ये जो बॉडीज है जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है उनके साथ एंगेज करे, सो दैट उनके साथ
कोऑर्डिनेट करे सो कि वो कैसे इसको मेजर करती है, किस बेसिस पे करती है, सो दैट उसके बेसिस पे हम लोग हमारे कंट्री में सारे रिफॉर्म्स लाएंगे जिसके हेल्प से ग्रोथ होंगी, मतलब चेंजेस लाएंगे और हमारी ग्रोथ होंगी. इंडिया एडवर्टाइजेस इटसेल्फ एज अ मल्टी रिलीजियस डेमोक्रेसी, मतलब इंडिया हमेशा बताती है कि इंडिया इज, मतलब इट इज ऑल्सो अ मल्टी रिलीजियस, मतलब बहुत सारे रिलीजन यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं पर डेमोक्रेटिक वे, मतलब को सबको हक है अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का, एंड एज एन एडहेरेंट टू ग्लोबल नॉर्म्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. साथ ही साथ वो ये भी पोर्ट्रे करती है कि वो रूल, जो लॉ के रूल्स है उसको कभी नहीं तोड़ती, उसको ठीक तरीके से फॉलो करती है. मतलब वो अपना रिलीजन भी साइड में बराबर से देखती है और साथ ही साथ अपना जो रूल्स है, ग्लोबल रूल्स है, वो भी फॉलो करती है. इट ऑल्सो एस्पायर्स टू बी ऑन द टेबल ऑफ ग्लोबल रूल मेकिंग, वो जो ग्लोबल रैंकिंग में है तो उसके टेबल पे बैठने के लिए, बराबर बनने के लिए, ग्लोबल रूल बनाने के लिए, फॉलो करने के लिए भी वो एस्पिरेशन देती है. फॉर अ कंट्री विथ सच स्टेटेड एम्बिशंस, मतलब एक कोई ऐसी कंट्री जिसके इतने बड़े बड़े एम्बिशंस हैं कि वो रिलीजियसली भी डेमोक्रेटिक रहे, मल्टी रिलीजियस रहे, साथ ही साथ सारे ग्लोबल रूल्स भी फॉलो करे, ऐसे बड़े बड़े एम्बिशंस रखने वाली कंट्री, इट्स रिकॉर्ड ऑन रिलीजियस फ्रीडम एज रिफ्लेक्टेड थ्रू इवेंट्स ऑफ द लास्ट वन ईयर इज डीपली डिसकंसर्टिंग. मतलब ये सारे एम्बिशंस रखने वाली कंट्री ने जो रिलीजियस फ्रीडम्स को लेके पिछले साल भरे में, जो पिछला एक साल था जिसमें CAA और NRC वाला सारे इवेंट्स हुए थे, उसमें वो जो उसका प्रदर्शन था वो बहुत डिसकंसर्टिंग था, मतलब बहुत डिस्टर्बिंग था. द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस इंसाइटमेंट, द एक्शन ऑफ इंसाइटमेंट, मतलब द एक्शन ऑफ प्रोवोकिंग अनलॉफुल बिहेवियर, मतलब द कैटलॉग ऑफ रिलीजियस वायलेंस, मतलब जो रिलीजन को लेके तनाव था, वायलेंस था, साथ ही साथ जो अनलॉफुल चीजें करने के लिए जो प्रोवोकेशन हो रहा था, एंड साथ ही साथ में जो रूल तोड़े जा रहे थे बहुत सारे कंट्री के पार्ट्स में, मतलब बहुत सारे जो स्टेट्स है वहाँ पे ये सारी चीजें, ये घटनाएं घट रही थी, वायलेंस हो रहा था, प्रोटेस्ट हो रहे थे, साथ ही साथ में रूल तोड़ा जा रहा था, एक दूसरे को उकसाया जा रहा था, धरने धरे जा रहे थे, तो ये सारी चीजें एक कंट्री के लिए इट इज एन अनसेटलिंग फैक्ट, मतलब ये चीजें हजम करने वाली नहीं है, इस पे सेटल नहीं किया जा सकता. द पार्टिसन नेचर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू विश अवे, मतलब जो पार्टी, जो रूलिंग पार्टी थी उसका पार्शियल बिहेवियर भी डिफिकल्ट है भूल जाने के लिए. द रेपुटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कोई भी कंट्री का अगर ऐसे इंडाइसेस में खराब परफॉर्मेंस होता है तो उसकी रेपुटेशन खराब होती है. तो रेपुटेशन तो इम्पॉर्टेंट है, ग्लोबल रैंकिंग में ठीक तरीके से आने चाहिए, और ये जो सारी कंसर्निंग नेशन में जो इंडिया का नाम आया है वो नहीं आना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेपुटेशन खराब होता है कोई भी कंट्री का, और उसका ग्लोबल स्टैंडिंग जो है, मतलब पूरे देश भर में, सॉरी पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबली उनका जो स्टैंडर्ड है वो भी, स्टैंडिंग है वो भी कम हो जाती है. बट बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, रूल ऑफ लॉ एंड कम्युनल हार्मनी आर एसेंशियल फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी. साथ ही साथ में कोई भी कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री चलाने के लिए, डेमोक्रेसी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, साथ ही साथ में हार्मनी मतलब पीस, शांति, साथ ही साथ रूल्स को फॉलो करना, ये सारे लॉज उसको फॉलो करना, ये भी उतना ही आवश्यक है. तो इवन दो US ने इंडिया को ऐसा रैंक किया है तो हमको वो रूल तो फॉलो करने ही हैं, हमको हमारा स्टैंडर्ड, हमारा रेपुटेशन बचाना ही है ग्लोबली, साथ ही साथ हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस जो कंट्री में पिछले साल चले थे वो सारी चीज़ें ना हो, रूल को ठीक तरीके से फॉलो किया जाए, और इन सब का ध्यान में रखने की ज़रूरत हमें है. तो ये आर्टिकल का ये सारा मीनिंग था, इसका ये सारी वोकैबुलरी हमने मार्क कर दी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप ये वोकैबुलरी के वर्ड्स एक तो ढूंढ के लिख सकते हैं, और इस मैंने वीडियो आप फिर से देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया है सारे वोकैबुलरी के मीनिंग. तो ये इंपॉर्टेंट हो गया. तो दिस मच वॉज फॉर एडिटोरियल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज. डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन. थैंक यू.